हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो रायपुर छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन की वीडियो है। जी हाँ, आपने बहुत सारी ब्लॉग वीडियो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे रायपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल मध्य प्रदेश के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम हबीबगंज था। तो जैसे रायपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी तरह अगर वो ब्लॉग वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रायपुर रेलवे स्टेशन की सच्चाई। तो गाइज, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं रायपुर रेलवे स्टेशन का शॉर्ट वीडियो में इतिहास। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में स्थित यह एक रेलवे स्टेशन है, और यह भारत के उन चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में से एक है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा ग्रेड A1 का दर्जा दिया गया है, और यह भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित प्रमुख स्टेशनों में से एक है। यह रायपुर विजयनगरम शाखा रेल मार्ग का उद्गम स्थल भी है, और रायपुर रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसका स्टेशन कोड R है। रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर के शहर से लगा हुआ है। आवागमन के लिए हर टाइम आपको ऑटो बस की सुविधा उपलब्ध रहती है, जिससे रायपुर सिटी में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो गाइस, देख सकते हो रायपुर रेलवे जंक्शन, रायपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे बोर्ड की सूची में रायपुर रेलवे स्टेशन A1 श्रेणी में है, और अच्छी खासी कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन भी है। इसलिए एयरपोर्ट की तर्ज पर आप रीडेवलपमेंट प्लान से यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया करानी है। इस योजना में रायपुर स्टेशन में 400 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो रहा है, और क्योंकि प्लेटफॉर्म एक से लगा हुआ, पुराना स्ट्रक्चर टूटेगा और नए तरीके से कैंपस का विकास होगा, जिससे यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्याओं को देखते हुए मल्टी स्टोरी पार्किंग और वेटिंग हॉल का निर्माण किया जा सके। देख रहे हैं, काम जो है वो रीडेवलपमेंट का चालू हो चुका है। बिल्कुल जैसे स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रायपुर का, वैसे ही रायपुर जंक्शन को बनाया जा रहा है। और इससे पहले रीडेवलपमेंट का कार्य मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बिलासपुर को भी एयरपोर्ट की तर्ज में रीडेवलपमेंट करने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। तो गाइस, उम्मीद है कि रायपुर रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट की तरह 2023 तक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ।